सरकार की तरफ से लाए गए हिट एंड रन के नए कानून का फिनल हाईवे पर गाड़ियों का रेला लग चुका है। ड्राइवर्स इस कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनकी ही जुबानी। सरकार ने तानाशाही लागू किया है, अमित शाह नरेंद्र मोदी वो सरकार वापस लिया। इसके क्या तानाशाही लागू किया? तानाशाही ड्राइवर पर जुलूम, ड्राइवर पर तानाशाही, ड्राइवर पर अत्याचार, ये अपन वापस ले लो, नहीं तो जाम खराब। 200-500-6000 तनख्वाह मिलने वाला ड्राइवर को 10-5 लाख का जुर्माना कहाँ से भर पाएगा? और आज का डेट में किसी एक्सीडेंट होता है, अगर ड्राइवर नहीं भागा जाएगा तो ड्राइवर को मार दिया जाता है। कितने के संख्या में आज यहाँ ऑटो बंद है? करीबन मान चलिए इस कुमाटी क्षेत्र में जो है 10,000 ऑटो होगा, सिवे चिरकुंडा निरसा रूट में। तो आप लोग चालक जो है, आपका मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि ये चीज रद्द किया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए, चीज को रद्द किया जाए। इसलिए टेम्पो चालक जो है कहाँ सकेगा, 300-200 रुपए दिहाड़ी होता है, गाड़ी का सेल होता है, वो अपना परिवार कहाँ चलाएगा? 10 साल जेल में कटेगा तो उसका बीवी वाला बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पर ही नहीं आएगा, उसको देखने वाला कौन है? आज का डेट में आप बताइए सर, इसे सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको रद्द किया जाए। सुनने में आया है कि एक नया बिल पास किया गया है जिसमें किसी प्रकार से ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होता है, धक्का लगता है, तो वहाँ पर ड्राइवर को गाड़ी रोककर और उस घायल व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना करना होगा। अब ये बताइए कि हल्का सा किसी में सट जाता है तो ड्राइवर के साथ मारधाड़ चालू हो जाता है। एक्सीडेंट होगा किसी प्रकार से और ड्राइवर वहां रुक जाता है, ड्राइवर को अगर कोई जान मार देगा तो उसका, ड्राइवर के परिवार का और ड्राइवर के जान का ठेका कौन लेगा? अमित शाह लेंगे, नरेंद्र मोदी लेंगे? नहीं लेंगे। एक 3,000 से 10,000 रुपया के बीच कमाने वाला आदमी 7 लाख रुपया कहाँ से भर पाएगा? संभव है? अगर किसी के साथ एक्सीडेंट ऐसा घटना हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी से ड्राइवर है, गाड़ी है, कहीं भी ब्रेक फेल हो सकता है, एंड टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस परिस्थिति में अगर धक्का लग गया, ड्राइवर जान बचाने के लिए भाग गया, अगर नहीं भागता है तो ड्राइवर को वहां पर जान मार देगा। इस परिस्थिति में ड्राइवर भाग गया, उसको आप 10 साल का सजा कर देते हैं तो उसके परिवार का भरण पोषण 10 साल कौन करेगा? सरकार करेगा? नहीं करेगा। तो पूरे तरीके से ये कानून जो है गलत है, ये ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो बिल संशोधन किए हैं उस बिल को वापस लें, लागू ये बिल करना हर हाल में उचित नहीं होगा, ये ड्राइवरों के साथ अन्याय होगा। और जो है ये बहुत बड़ा, सरकार ये न समझे कि ये जबरदस्ती बिल थोप देंगे और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साहब, इंडिया में लाखों गाड़ियां हैं और एक गाड़ी पर कम से कम 3 स्टॉप होता है, ड्राइवर, सेकंड ड्राइवर और खलासी। अब सोच लीजिए कि अगर एक यहाँ हिंदुस्तान में अगर 50,000 गाड़ियां हैं तो 50 लाख गाड़ियां हैं तो 50 लाख को कम से कम एक परिवार में 6 आदमी है, कितना का क्षति होगा सरकार को? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज ड्राइवर लोगों के द्वारा पूरे इंडिया में जाम किया गया है, यहाँ भी जाम किया गया है, और अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तो ये जाम बरकरार रहेगा। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, इसमें एक प्रावधान है जिसको लेकर ये विरोध हो रहा है। विरोध की वजह हिट एंड रन का नया कानून है, जिसमें अब अगर सड़क हादसे में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। घर पर छत है या नहीं है, खाने को है कि नहीं है, एक आदमी खून सी करके ड्राइवरी करता है और वो अचानक 10 साल का सजा बोल दिए है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।
लोग हैं जो कि थोड़ा एक दो करके चल रहे हैं, लेकिन चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गरीब भाई 7,000 रुपए कमाने वाले 10,000 कहाँ से 10 लाख हम जमा करेंगे। हम लोग परसों से हैं, अब जब तक ये हड़ताल टूटेगा नहीं तब तक हम लोग हड़ताल करके ही रहेंगे। किस चीज के लिए हड़ताल है आपकी? हम लोग का कोई नहीं है, जो कानून जो नया बना हुआ है उसको सरकार वापस ले। क्या कानून से आपका, कौन से कानून से विरोध है? यही जो अपना जो पैसा का जो जेल जाना पड़ेगा, ये चीज है। क्यों ट्रक खड़ी है आपकी, किस चीज का विरोध है आपका? एक चीज का विरोध है जी, जो काला कानून लेके आया है, ये 10 साल की सजा, 7,000 जुर्माना, ये ड्राइवर लोग कहाँ से भरेंगे? हमारी 7,000 पकार मिलती है, 8,000 पकार मिलती है, उसमें हमारा परिवार भी वहाँ चलता है। हम इतना पैसा दे रहे 10 लाख का, क्योंकि आप अपने खुद का गाड़ी डालने को उतना दाफड़ा कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी छोड़ के हम घर जा रहे हैं। ये चाहिए सरकार को, ये कानून अपना वापस लेना चाहिए, तो फिर हड़ताल खुलेगी। जब तक नहीं कानून वापस लेगा, चक्का ऐसे जाम रहेगा। ये चक्का जाम करने का मोदी को पता चल जाएगा चक्का जाम होता क्या चीज है। सर, ये जो काला कानून बनाया वो गलत है। कैसा काला कानून है, क्या विरोध है आपका? सर, विरोध इसलिए है, तो ड्राइवर 10 लाख रूपये अपने 10 साल की सजा और 10 लाख रूपया जुर्माना कहाँ से देगा? तो अभी कितने ट्रक यहाँ पर खड़े हैं और कब चालू करेंगे? सारे जितनी स्ट्राइक नहीं खत्म होगी उतनी रिंग चालू करेंगे। कहाँ से आप, कहाँ से कहाँ तक ट्रक चला? सर, मुंबई। तो अभी सूरत क्या चीज का ट्रक लेकर आए थे? सूरत सर हिसार से भरा है गाड़ी। तो अभी हिसार आपको वापिस जाना है, कब तक जाएंगे? सारे जितनी स्ट्राइक नहीं खत्म होगी। घर पर छत है या नहीं है, खाने को एक नहीं है, एक आदमी घूम सीकर के ड्राइवरी कर रहा है, और वो अचानक 10 साल का सजाए बोल दिए ड्राइवर। एकता जिंदाबाद, वापस लो, अपना कानून वापस लो। कर रहे हैं आप, क्या है आपकी मांगे? ये देखिए, हम लोग ड्राइवर आदमी है, गरीब आदमी है, और जो अमित शाह जी नियम लगाए हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे तो 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, तो ये बताइए कि हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि पब्लिक हम लोग को पहले हॉस्पिटल पहुँचाएगी? इसके लिए ऐसा नौबत ड्राइवर के पास आ जाता है कि भागना मजबूरी होता है, नहीं तो पब्लिक ड्राइवर को मार देगी। और ये एसी में बैठ के अमित शाह जी जो नियम ठोकते हैं ड्राइवर के लिए, ड्राइवर कैसे जिंदगी जीता है, कैसे क्या गाड़ी चलाता है, ये अमित शाह जी और एसी में बैठने वाले क्या जाने। जब से इनका सरकार आई है, बीजेपी का सरकार, तब से कोई कोई गलत गलत कानून लाते हैं और डायरेक्ट पास करते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि गरीब का हालत कैसे चलता है। एक तो महंगाई से मार रही है सरकार, इसके बाद में ये अपना नोटबंदी लाया, किसान पे कानून थोपा, उसमें कितना आदमी को मार डाला, कोरोना में कितना आदमी को रेलवे से कट के मार डाला, पैदल चल के मार डाला, इसके बाद अब ड्राइवर इसको नजर में दिख रहा है कि भाई गरीब आदमी है, ये कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग भी अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे, अगर कानून काला कानून नहीं हटता है तो हम लोग सभी गाड़ी को छोड़ के अपना अपना गांव चले जाएंगे बस। और 2024 का इलेक्शन है, गांव भर घूम के, हर जिला में घूम के हम लोग इसका विरोध करेंगे, और जो ईवीएम से जीतता है ना, इसका ईवीएम का ही बर्खास्त हम लोग कराएंगे, और इसके बाद में दूसरी सरकार आएगी और ये तरी पार की सरकार को और मोदी साहब तानाशाह की सरकार को हटा के उखाड़ कर फेंक देंगे हम लोग। वापस लो, 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 व
कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून। सात लाख रुपए जो जुर्माना लगा है और 10 साल की सजा है, ये बहुत सर गलत बात है। मतलब कि ड्राइवरी एक्सीडेंट तो होते रहते हैं रोज, अब इसमें 10 साल की सजा भी है, ऊपर से 7 लाख का जुर्माना है। तो 7 लाख ना तो ड्राइवर जुर्माना भर पाएगा और ना 10 साल जेल में रह पाएगा, क्योंकि घर पे उसके बीवी बच्चे हैं और फैमिली है, जिसकी वजह से सर प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से सर गाड़ी हम लोग स्ट्राइक पे हैं, सप्लाई बंद कर दिए हैं गैस की। तो अभी जिस तरह से सप्लाई बंद की है, उसका क्या कुछ असर है प्लांट पर, लोगों के? सर प्लांट पे इसका असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक जो सिलेंडर का होता है वो काफी 1-2 दिन का होता है। हम लोग टैंकर खाली कर नहीं रहे हैं, और वो सिलेंडर भी, गाड़ी वाले भी, ड्राइवर भी, वो भी हड़ताल पे हैं, वो भी खड़ी कर दिए हैं गाड़ी। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, शहरों में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गाँव में तो लकड़ी से बना लेंगे लोग, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी, अगर 2-3 दिन बंद रहा तो। किस लिए हड़ताल की है भाई साहब? ये जो सरकार ने कानून बनाया, बहुत गलत कानून बनाया है। ये जो 5 लाख रुपए 10 साल की सजा है, इतने रुपए ये हो तो हम गाड़ी क्यों चलाओ भाई साहब? 20% मोटरसाइकिल कार वाले ऐसे हैं जो शाम को गाड़ी वाले को जान के हड़ा देते हैं, दारू का धंधे के लिए धंधा पानी बन जाएगा इससे। इसी से हमने परेशानी है। अगर कोई ड्राइवर दारू पी गाड़ी चलाता है, उसकी 10 साल की सजा बोल दो, हम सभी ड्राइवर सहमत हैं उसमें। हड़ताल कब तक रखेंगे? हड़ताल जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा, जब तक हड़ताल रहेगी भाई साहब। तो हड़ताल पे हैं जी हम। कितना दिन हो गया हड़ताल का? जी हमारे को 3 दिन हो गया। वजह क्या है? वैसे तो 2 दिन पहले से भी था, लेकिन हम 1 तारीख को यहाँ पहुँचे, तो 1 तारीख से है वही जो हमेशा जो काला कानून जो लाए हैं, जो ड्राइवर को खिलाफ मतलब वो बिल जो पास किए हैं, उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ तो हम करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? अगर नहीं कमाते तो फिर हम 7 लाख रुपए और क्या कहता है कि 10 साल का जो सजा है, दुर्घटना जो होगा, तो ये चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है। क्या असर रहेगा इस पे ड्राइवर पे इसका, जो कानून लागू है? वापस करना चाहिए सर इसके लिए तो। हाँ, नहीं वापस करना चाहिए, जब भी हम लोग चलाएंगे, नहीं तो हम लोग गांव घर में बकरी उकरी चला लेंगे, लेकिन ये चीज हम नहीं करेंगे। क्या खतरा लग रहा है कानून से? कानून से यही खतरा है सर कि देखो, अगर ये चीज रहेगा तो हम लोग कैसे चला पाएंगे, कैसे गाड़ी चला पाएंगे? मान लो हम लोग तो एक चींटी भी मिलता है रास्ते में, या सांप जो होता है काटने के लिए जो जहरीला होता है, उसको भी हम लोग सोचते हैं कि जो हम उसको बचा के अपना निकालेंगे गाड़ी। हम लोग तो अपना सेफ्टी में चलते ही हैं, हम लोग को ट्रेनिंग भी होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें सब पता नहीं ये चीज़ के लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये चीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं है, जितने भी ड्राइवर लोग हैं, जो भी छोटी बड़ी गाड़ी जो भी है, इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है। तो जैसे हड़ताल की है, हाँ, और गैस सप्लाई पे क्या असर रहेगा इस पे? वही सप्लाई पे क्या रहेगा सर, अभी देखो इसका तो हमें पता नहीं है जो क्या होगा। कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। नए साल के पहले दिन ही देश के कई हिस्सों में गाड़ियों के पहिए थम गए। नेशनल हाईवे जाम हो गए, सड़कों पर बस और ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गई, ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह सड़क पर जाम ही दिखाई दिया और एक ही नारा सुनाई दिया, काले कानून वापस लो। अब सवाल उठ रहा है कि ये नारा क्यों दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हड़ताल हुई। आखिर ये लोग काला कानून किस कानून को और क्यों कह रहे हैं? आखिर इस लॉ में ऐसा क्या है जो देश की सड़कों पर चक्का जाम करवा दिया? अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि हिट एंड रन में ये नया कानून क्या कहता है और पुराना कानून क्या था।
क्या कहता है नया नियम। दरअसल भारतीय न्याय संहिता जो अब भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध की वजह हिट एंड रन का नया कानून है। नया कानून के अनुसार अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और 7 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं विरोध कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि हादसे के बाद वह भाग जाते हैं तो नए कानून के तहत उनको कड़ी सजा मिलेगी और अगर वह रुकते हैं तो भीड़ उन पर हमला कर सकती है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अक्सर सड़क हादसे मामलों में मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और सबसे पहले ड्राइवर को मारती है। हिंसक भीड़ मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। इस वजह से देश के कई राज्यों में ड्राइवर्स इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। ये रास्ता पूरा जाम कर रखा है, करने की जगह नहीं है। बताइए हम क्या करें, मरीज और सीरियस मरीज है, पैरालिसिस का मरीज है, पूरी बारिश मार चुकी है मरीज को। जितनी कंडीशन में रास्ता लगाओ, गाड़ी निकलवाओ, आप सहयोग करो। बहुत जाम लगा, कहाँ निकालो बताओ, ये आप बहुत मजबूरी है। बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग, अब जाम लगा देखो, बहुत पब्लिक खड़ी है। बताओ रास्ता नहीं मिल रही, दोनों रास्ता और उधर से रास्ता भी थी, निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल ही। मुझे बहुत जरूरी काम से भिंड पहुंचना है, लेकिन ये एजिटेशन की वजह से गाड़ी जाम है। ग्वालियर से 20 किलोमीटर आगे अब इस तरह से जाम लगा हुआ है कि मैं वापस भी नहीं जा सकता और आगे भी नहीं जा सकता। सरकार को चाहिए कि कुछ इनकी जो मांगे जायज हैं, अगर उन्हें सुने, कुछ उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कम से कम एजिटेशन ना हो, इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के विकास की रफ्तार रुक रही है। किसी जरूरी काम है, कुछ है, लोग बीमार हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। तो सरकार इनकी सुने और कुछ आगे कार्रवाई करे तो बेहतर रहेगा। और आम नागरिकों के लिए भी, अभी थोड़े दिन बाद आपूर्ति बंद हो जाएगी, सब्जियां महंगी होंगी, सभी कुछ बंद होगा, पेट्रोल भी मुश्किल से मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो कुछ इस हिसाब से सिस्टम को कुछ ठीक करके सरकार को इनकी सुनना चाहिए, मेरा यह मानना है। पेट्रोल डीजल की कमी पड़ रही है, बिल्कुल साहब पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जब नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचेगा, सब्जियां नहीं आएंगी, लोगों के रोजमर्रा के सामान नहीं मिलेंगे, लोग अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, अभी कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, कन्वेंस की प्रॉब्लम है, लोग अपने कामों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, दो दो दिन हो गए हैं, सबके काम ठप्प पड़े हुए हैं, ऐसे सारी विकास की रफ्तार रुक रही है और इसका कुछ निकाल होना बहुत जरूरी है। अभी एम्बुलेंस काफी देर खड़ी है, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। नहीं, निकाल रहे हैं हम लोग, काफी घंटे से जाम लगा हुआ। नहीं नहीं, घंटे से तो नहीं है, अभी करीब 20-25 मिनट हो गए करीब। इन लोगों से क्या बातचीत की, आप ट्रक चालक हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, कैसे जाम खुलवाएंगे आप? मैं खुलवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुरंत जाम खुलवाने का। बातचीत क्या हुई इनकी, अगर अभी हमारी बातचीत वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, तो वहाँ के ट्रक तक ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब लगा हुआ बीच में ट्रक रोक दिए, उनको खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अधिकारियों को आपने बताया कि यहाँ ये स्थिति बनी हुई है जी? हाँ बता दिया है। क्या कह रहे हैं उनका, उसके तमाम अधिकारी आने वाले, जाम लंबे समय से लगा हुआ, अभी तक नहीं खुला है। इधर भी बताया है, महाराजपुरा ग्वालियर क्षेत्र में बताया आपने जी, क्या कह रहे हैं वो? आ रहे सब।